नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सबका विकास स्टडी पॉइंट में। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर 17 तारीख से एग्जाम है और लगातार एग्जाम है, 17, 18, 19, 20 सब लगातार एग्जाम है, तो हम पढ़ाई कैसे करें? ऐसे मैसेज कई बार आए मेरे पे, और जब से अपना डेट शीट आया तब से बच्चे सब परेशान है कि सर लगातार पेपर है, कैसे हम करेंगे, जो कि 12वीं का 12वीं बोर्ड है सर, कैसे करेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। तो बच्चों के डिमांड पे और जैसे मैंने स्ट्रेटेजी यूज की थी 11th क्लास में और 12th क्लास में, उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई भी बच्चा इस चीज को फॉलो करेगा तो आई कैन गारंटी कि 90+ लेके आएगा, अगर जिस भी हिसाब से मैं बोलूंगा उस हिसाब से। ये देखो कोई वो चीज नहीं मैं बता रहा हूँ कि 90 लाना, जैसे सब बोल देते 90 आ जाएंगे, नहीं, जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ बस वैसे ही करते चले जाओगे, 90 आएंगे, ये मेरा दावा है। अब चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, बेस्ट टाइम टेबल ड्यूरिंग द एग्जाम, ये आपका पहले एग्जाम का वो है टाइम टेबल है, उस चीज को मैं पहले दिखा देता हूँ। जैसे अभी हम बात करेंगे 12th क्लास का, यहाँ पे 17 तारीख से एग्जाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं 17 तारीख को जो पेपर है वो है बिजनेस स्टडी का या फिर पॉलिटिकल साइंस का, कॉमर्स वाले बच्चों का बिजनेस स्टडी और जो अपने आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। 18 तारीख को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा, 19 को बात करूं तो इंग्लिश हो जाएगा, 20 की बात करूं तो सोशियोलॉजी हो जाएगा, और इसके बाद 21 को बात करूं तो हिंदी। यानी कि आप देख सकते हो 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगातार पेपर है। अब इनकी तैयारी कैसे करें? एक तो हमारे जो भी स्टूडेंट होते हैं वो भी माशाल्लाह होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब पेपर आएगा तो ही पढ़ेंगे, अब पेपर में टाइम नहीं है तो अब कैसे पढ़ोगे, लोग कर लो तैयारी, नहीं कर पाओगे ना। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, और ये सॉल्यूशन अगर जिस भी बच्चे ने किया 90+ आएंगे, और अभी तक जो भी बच्चा नहीं पढ़ा है वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है। कैसे करना है चलो मैं बताने वाला हूं। तो देखिए आज का जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है, बेस्ट टाइम टेबल ड्यूरिंग द एग्जाम, ये है। और इसके बाद इसके साथ मैं समझाऊंगा हाउ टू कवर होल सिलेबस, पूरे सिलेबस को कैसे हमें कवरअप करके चलना है, साथ ही साथ हाउ मेनी आवर्स डू वी स्टडी, यानी कि कितने घंटे हमें पढ़ने चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम। और इसके अलावा एक चीज और मैं 12वीं क्लास के बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 10 ईयर करें या ना करें, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो चार टॉपिक हम आज देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे मोस्ट प्रायोरिटी मैं इसमें ही दूंगा। अगर वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं हुई तो बाकी के तीन मैं कवरअप करा दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को सब्जेक्ट वाइज नोट चाहिए तो आप हमारे या तो ऐप पे जाकर विजिट कीजिए या फिर 7011912793 पे मैसेज कीजिए, और वहां पे जो भी प्रोसीजर उस चीज को फॉलो कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ में जाके प्रिंट आउट कीजिए और अच्छे से पढ़िए। देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है बेस्ट टाइम टेबल, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, एक मैं एग्जाम्पल लिया हूं आपका। जैसे आपको पता है बच्चे होते हैं जिनके पास होता है साइंस होता है, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिसके पास आर्ट्स होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कॉमर्स होता है। तो यहाँ पे मैं आर्ट्स वाले बच्चों को बताने वाला हूँ आर्ट्स, और ऐसे बच्चे जिनके पास विथ में इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स विथ इकोनॉमिक्स जिनके पास है उन बच्चों का ही टाइम टेबल मैं बना रहा हूं। और ऐसे ही चाहे आप कॉमर्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे किसी में भी हो, आप ऐसे ही टाइम टेबल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं तो इस चीज में देखिए, यहाँ पे कॉमर्स आर्ट्स विथ इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो जो सबसे पहला पेपर है वो 17 तारीख को यानी कि पॉलिटिकल साइंस, 18 तारीख को यानी कि फिजिकल एजुकेशन, 19 तारीख को यानी कि इंग्लिश, और 21 तारीख को यानी कि हिंदी, 29 तारीख को यानी कि हिस्ट्री, और 31 तारीख को इकोनॉमिक्स। तो अगर देखा जाए 17, 18, 19 ये तीन पेपर हमारे लगातार पड़ गए हैं, इसके अलावा इसके बाद हिंदी में आपको एक दिन का गैप मिल जाता है, बाकी के जो दो पेपर हैं इनमें लास्ट में देखा जाए तो हिस्ट्री में आपको गैप मिल गया, लेकिन इकोनॉमिक्स में गैप सिर्फ एक दिन का मिल रहा है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर किसको टाइम ज्यादा दे, किसको टाइम कम दे, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये कंफ्यूजन है। तो अभी मैं इस चीज का शॉर्ट आउट बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं नेक्स्ट चीज, ये चीज है, ये चीज समझना जरूरी है। यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट को आपको 3 दिन देना है, 3 से 4 दिन आप दे पाओगे अगर मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। तो सबसे पहला पेपर किसका है, सबसे पहला पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का, चलो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, और आपको पता है आज है अपना 1 तारीख है, 1 तारीख से लेकर 17 तारीख को आपका पेपर है, यानी कि 16 दिन का गैप है। क्या 16 दिन पॉलिटिकल साइंस को देगो? नहीं, बिल्कुल नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन देना है, कौन सा, 14, 15, 16। 14 तारीख को तैयार करोगे पॉलिटिकल साइंस, 14, 15, 16, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिजिकल एजुकेशन को कम टाइम देना है, तो यानी कि अगर देखा जाए फिजिकल एजुकेशन को, तो अब 14, 15, 16 तो आप
पॉलिटिकल साइंस कर लिए। अब इससे पहले आपको करना है यानी कि 11, 12, 13 को आपको क्या तैयार करना है, फिजिकल एजुकेशन तैयार करना है। अच्छा, इसके अलावा आगे देखते हैं, इसके बाद लगातार पेपर इंग्लिश का है, तो इंग्लिश को कब टाइम देना है? तो इंग्लिश को टाइम देना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस वजह से 7, 8, 9, 10 ये जो 4 दिन है किसको देना है, इंग्लिश को देना है। अच्छा, अगला बात करते हैं हिंदी को कब टाइम देना है, क्योंकि हिंदी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ही दिन का टाइम मिल रहा है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 और 6 को, अच्छा 4 और 6 को, 5 को क्यों नहीं? तो ये टाइम टेबल डिजाइन किया गया है बच्चों की नीड को देखकर। जैसे मान लो 5 तारीख को आपका पढ़ रहा है दशहरा, तो दशहरा का तो कोई पढ़ेगा नहीं, मुझे पता है कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि सब जाएंगे मेला करने, तो इस वजह से यहाँ पे दशहरे का 5 तारीख को मैंने छुट्टी भी रख दिया है, तो यहाँ पे आपको 4 तारीख को तैयारी करनी है और 6 तारीख को तैयारी करनी है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि 21 से लेकर 29 के बीच में गैपिंग है, जो कि हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा एनफ है लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए एनफ नहीं है, तो दैट्स वाई आपको क्या करना है, 22, 23 और 25, 22 यानी कि 21 को आप पेपर दे के आओगे हिस्ट्री का, और सॉरी हिस्ट्री का नहीं, हिंदी का पेपर दे के आओगे, और फिर इसके बाद आपका जो 22 है, 23 है और 25 है, 24 को नहीं पढ़ोगे, इसलिए नहीं पढ़ोगे क्योंकि दिवाली है, ठीक है? तो 22, 23 और 25 को इस हिसाब से तैयारी करोगे कि कुछ डाउट्स रहे ही ना, ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट पेपर हो जाएगा हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में क्या करना है आपको, 26 तारीख को इसके बाद आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी है, 26, 27, 28 और उसके बाद पेपर दोगे 29 को, हिस्ट्री का पेपर दे दोगे। अच्छा, 29 को पेपर हो गया, बचा 30, 30 को रिविजन कर लोगे इकोनॉमिक्स का और 31 तारीख को जाकर पेपर दे सकते हो। अब इसको मैं दोबारा से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज मैंने क्या बोला तैयार करने के लिए, हिंदी तैयार बोला करने के लिए हिंदी, क्यों? क्योंकि आपको पता है आज सैटरडे है, जो कि सैटरडे खत्म, इसके अलावा यहाँ पे संडे 2 तारीख है, 2 तारीख 3 तारीख जितना भी आपको घूमना है, नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, जहां पे भी घूमना है घूम के आ जाओ, लेकिन इसके बाद जब 4 तारीख से स्टडी करने पे बैठोगे तो 1 घंटे की भी फुर्सत नहीं देनी अपने आप को, क्योंकि देखो जितना जितना ज्यादा आप तपोगे ना, सोना उतना ही शुद्ध होता है जितना वो, जितनी बार वो गर्म होता है, जितनी बार वो प्रोसेस में आता है उतना ही शुद्ध होता है, 16 ताव लगता है तब जाके सोना सोना बनता है, ठीक है? तो ऐसे ही हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि हमें अच्छे से पढ़ना है तो हमें लगातार पढ़ना पड़ेगा, हैबिट नहीं, हैबिट डलवाएंगे लेकिन हम हमेशा पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए 2 तारीख 3 तारीख को जितना भी इंजॉय करना है कर लीजिए, लेकिन 4 तारीख से आपको तैयार करना है, सबसे पहले हिंदी तैयार करनी है, हिंदी 4 को, 5 को दशहरा मना लेना, 6 को क्या करोगे, 4 को स्टडी करोगे बढ़िया से और 6 को स्टडी करोगे बढ़िया से, ये सोच के कि 7 तारीख को एग्जाम है, किस चीज का, हिंदी का एग्जाम है, तो इसके आपका पूरा सिलेबस कवरअप हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आगे चल के 7, 8, 9 तारीख 7, 8, 9 और 10 तारीख इस दिन आप क्या तैयार करोगे, इंग्लिश तैयार करोगे, इंग्लिश ये सोच के तैयार करोगे कि 11 तारीख को आपका पेपर है, इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपको रीड आउट कर लेना है, ठीक है? ताकि सिर्फ रिवाइज का टाइम मिले और आपका इंग्लिश तैयार कर लेना है, ठीक है? इसके अलावा 11, 12 और 13 इसमें आपको क्या तैयार करना है, फिजिकल एजुकेशन तैयार करना है, इस वजह से क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में आपको एक भी दिन का टाइम नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से आप 11, 12, 13 क्या तैयार कर लिए, फिजिकल एजुकेशन। और आप ये देख सकते हो हिंदी इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन इस हिसाब से पढ़ना है कि सिर्फ रिवाइज कर ले तो पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब इसके अलावा 17 तारीख को हमारा एग्जाम है, तो एग्जाम है तो इस वजह से 3 दिन लगातार हमें पढ़ना है क्या, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। 17 तारीख को एग्जाम दे दिए, अब 18 तारीख को आपका फिर एग्जाम है, तो इस बीच आपको जाहिर सी बात है 6 घंटा 7 घंटे का टाइम मिलेगा, तो जब टाइम मिलेगा तो रिवाइज कर लीजिए फिजिकल एजुकेशन जो आप 3 दिन पढ़े हो उसको रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद 19 तारीख को आपको फिर पता है कि आपका फिर पेपर है, किसका पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर है, तो जब इंग्लिश का पेपर है तो 4 दिन तो आपने टाइम तो दिया ही है ना, रिवाइज कर लो, रिवाइज करके चले जाना पेपर देने। अच्छा, इसके अलावा फिर आता है 21 तारीख को पेपर है, किसका है, हिंदी का है, तो इसमें 2 दिन का टाइम दिए थे, 1 दिन गैप तो मिल ही रहा है, इसमें 3 दिन इसमें भी टाइम हो गया, 3 दिन यानी कि 4, 5 और 20 तारीख को तैयारी मिल जाएगी, 21 तारीख को एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, आगे फिर आपके पास 22 तारीख बचा, 23, 24, 25 ये 3 दिन 4 दिन जो है आपको देना है, 22,
23, 24 तो दिवाली हो जाएगी, 25 तारीख को ये 3 दिन आपको देना है इकोनॉमिक्स को, और फिर उसके बाद 26, 27 और 28 ये आपको लगातार देना है हिस्ट्री को, और आगे चल के 29 तारीख को आप पेपर दे दोगे। और इकोनॉमिक्स जो कि हार्ड होता है थोड़ा सा, तो इस वजह से 30 तारीख का जो टाइम है वो इकोनॉमिक्स को दोगे और 31 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा। इस हिसाब से आपको करना है। और देखिए स्ट्रेटेजी अगर आप समझ गए ना, तो आपके पास चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हो। एक नॉर्मल सी चीज सोचो यहाँ पे कि हर एक पेपर में 3-3 दिन का मैंने टाइम निकाल दिया, कि जहां पे एक भी दिन नहीं मिल रहा था वहां पे 3-3 दिन मिल रहा है ना। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। आई कैन गारंटी कि अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो आपके 90+ आ सकते हैं, और जिस भी हिसाब से आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे चीज पढ़िए, अच्छे से करेंगे, हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अपना जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में ये जो अगला चीज है, हाउ टू कवर होल सिलेबस और हाउ मेनी आवर्स डू वी स्टडी, ये कर लेंगे। और इसके अलावा कि जो क्वेश्चन पेपर है उनको हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है उनको प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है, किस हिसाब से पैटर्न है, इन सभी चीज का डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जो भी हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए कि इस हिसाब से अगर वो अच्छे से स्टडी करेंगे तो एक एक पेपर में उनको 3-3 दिन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल नए हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।